दिक्कत होता है अपने से अपना आईब्रो बनाने में। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ और प्यार से मैं भी ठीक हूँ। तो आज है तीज है कल, लेकिन आज है पहला दिन, यानी कि हम लोग उसको बोलते हैं निहायक है। तो हम लोग तीज के दिन सारा साफ सुथरा करके सारा काम ओके करके तभी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। तो हमने सारा काम कर लिया, घर उर की पुताई उताई जितना भी कपड़ा लाता, धोना लिहाना धोना सब चीज़ हो गया मेरा, और खाना उना भी खा लिया। खाना उना खा के रेडी होकर हम दुकान भी आ गए। तो कल है तीज, तो कल उपवास रहेंगे, और उपवास में पिड़किया कैसे बनेगा? तो तीज में हमारे यहाँ पिड़किया बनता है। आप लोग के यहाँ क्या इसे बोला जाता है कमेंट करके बताइएगा। इसे हम लोग गुजिया भी बोलते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं, और आप लोग के यहाँ तीज में बनता है कि नहीं। तो चलिए बनाएंगे तो दिखाएंगे। इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा, प्यार सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं तो दिखाते हैं आप लोग को, और कल के पूजा के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिएगा हमारे यहाँ पूजा कैसा होता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं सुबह ही हमने सारा सामान मंगा लिया था, क्योंकि सारा काम धाम कर लेने के बाद नहा धोआ कर हम लोग ये बना लेते हैं। और इधर देखिए तीज वाला जो भी सामान होता है, तीज वाला नहीं सॉरी, गुजिया बनाने वाला यानी कि पिड़किया बनाने वाला सामान, चीनी मैदा सूजी जो भी बेसन वगैरह सारा चीज़। इधर हमने लिपाई पुताई भी कर दिया था अपने घर का सुबह, देखिए। इधर नीचे जो है मेरा मिट्टी का ही है, बाकी अभी प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है। मेरा घर देख के समझ ही सकते हैं कैसा है। तो इधर देख लीजिए सारा काम ओके हो गया। फिर उसके बाद हम निहा लिए। निहाने के बाद सबसे पहले हम चना खाते हैं, क्योंकि गैस का प्रॉब्लम रहता है, पेट में दर्द हो जाता है। और इधर देख लीजिए, हम सोचे कि कस्टमर लोग को हम अपना कस्टमर से जब हमको फुर्सत मिला तो हम सोचे कि अब हम अपना आईब्रो बना लेते हैं, क्योंकि सुबह से बिजी थे, थोड़ा अपना थ्रेडिंग नहीं कर पाए थे, क्योंकि मेरे लिए भी तो तीज है, व्रत है, तो इसीलिए हम अपना आईब्रो खुद से बनाते हैं, देख लीजिए। तो चलिए बना के दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। बहुत प्रॉब्लम होता है, बट क्या कीजिएगा, कर लेते हैं। कहीं जा नहीं पाते हैं, अकेले समझ सकते हैं कितना दिक्कत होता है। तो इधर हम अपने से लगाएं, और धागा को कट करके अपने हाथों में लपेट कर थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट बना लेते हैं, एक्सपीरियंस हो गया है बनाते बनाते। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो सीखना होगा तो देख कर सीख जाइएगा कैसे हम बनाते हैं। देख लीजिए, सामने शीशा रख दिए हैं और वहीं से हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे दिक्कत हो रहा था, तो हम यहाँ टेबल लगा कर मशीन पे बैठ गए और सोचे कि यहाँ सामने से अच्छा बनेगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था, नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पे हम बना लिए। तो आईब्रो उब्रो बना लेते हैं, ब्लाउज तो नहीं सिला पाया, कल देखते हैं, कल शाम को पूजा होगा ना, तो बना उना के फिर अभी उन लोगों को बनाना था कल, क्योंकि हम लोग भूखे रहेंगे तो मन नहीं करता है थोड़ा सा, गर्मी का टाइम है। तो इधर थोड़ा शाम हो गया, 5 बज गया था, तो सोचे कि सबसे पहले कल वाला बना ले सामान, क्योंकि जो गुजिया बनता है वो चढ़ता है, कल पूजा होता है इसीलिए। तो इधर खोवा हम मंगा लिए थे 250 ग्राम, और उधर सूजी को फ्राई कर दे रहे हैं। इधर देख लीजिए नारियल है, उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर दिए, इसको भी हल्का सा भून देंगे। इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा, छोटा छोटा मेरा जो भी क्लिप वीडियो सब देखते रहिए, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखते रहिएगा, ठीक ना। तो इधर थोड़ा सा हम भून देंगे, फिर उसके बाद खोआ भी फ्राई कर देंगे। तो जब बनाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है, कैसे करते हैं, कितना दिक्कत से, कितने लोग हम लोग थे, सब लोग दिखाएंगे। तो इधर देख लीजिए मेरा नारियल भुना गया, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, फिर निकाल देंगे, फिर इसको भी हल्का सा फ्राई कर देते हैं सारा चीज़, फिर एक में मिक्स करके। तो देख लीजिए हमने सारा मिक्स कर दिया, चीनी सूजी और खोआ, इसमें जो जो भी डालना था सारा मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद हम करने लगे, हम अकेले कर रहे थे। फिर उसके बाद मेरे गोतनी के लड़का और मेरा भगना जी बोले कि मामी दीजिए हम भी कर देते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, और मेरा बाबू लोग भी था। तो इधर हम लोग तीनों चारों सभी लोग मिलके जल्दी जल्दी हम लोग गढ़ने लगे,
मेन दिक्कत है इसको गढ़ा जाता है ना, तो छानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो भी प्रॉब्लम होता है इसको बारीकी से गढ़ना पड़ता है, बेलिए, लोइया काटिए, बेलिए, फिर उसको अपना ढांचा में डालिए, फिर ढांचा में डालने के बाद फिर कट कीजिए, फिर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जितना ही सोचिएगा कम उतना ही ज़्यादा होते जाता है। कभी कभी जी अनसा जा रहा था कि अब छोड़ देते हैं, अब छोड़ देते हैं, फिर सोचे कि अब इतना सूजी खोआ इतना मिक्स कर दिए हैं तब तो बनाना पड़ेगा ही। तीन लोग बेचारा हेल्प कर दिए, मेरा एक जेठानी का लड़का है और एक मेरे भगना जी हैं, और इधर मेरा बेटा भी है, मेरी मैया भी है। इधर हम कर रहे थे और दिन भर दुकान में थे, थोड़ा थके भी तो मन नहीं कर रहा था, बट क्या करे, करना पड़ा। तो जल्दी जल्दी हम लोग तीनों चारों मिलकर सब जल्दी जल्दी किए, छानने में देरी नहीं लगा, जल्दी से हो गया। बट यही है कि बहुत देर लगता है और कोई बात नहीं है, लेकिन खाने में तो अच्छा लगता है। तो इधर देख सकते हैं मेरा सब चीज़ हो गया है, इधर दोनों लोग जल्दी जल्दी बेचारा हेल्प कर दिए, इन लोगों को दिल से थैंक यू। तो चलिए अब इसको छान लेते हैं फटाफट, तो दिखाते हैं। इतना ज़ोर से बारिश आ रहा था कि क्या ही बताएं, बहुत तेज़ बारिश आ रहा था। तो इधर लाइट भी कट गया था, तो लाइट जला के हम लोग बैटरी वाला लाइट जलाया, फिर गुजिया जैसे ही छानने लगे, इतना तेज़ बारिश हुआ, इतना तेज़, वो भी लगातार कम से कम 1 से 1.5 घंटा ऐसा बारिश हुआ, क्योंकि 1 सप्ताह 10 दिन से बारिश नहीं हो रहा था। देख सकते हैं कितना तेज़ बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा, जितना ही भगवान जी गरज रहे थे उतना ही बारिश भी आ रहा था। अच्छा भी लग रहा था, कल का मौसम ठंडा ठंडा हो जाएगा जितने भी है दीदी लोग सभी लोग के लिए। और आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा होगा आप लोग को, यदि अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो